यार मैं अपनी लाइफ ना थोड़ी प्राइवेट कर, तुम लोग बहुत माँ बहन करते हो फिर इसलिए, और तुम्हारे जरिए जो और बैठे रहते हैं अनपढ़ लोग वो साले और हाथ में उनके मिल गया। मेरे एक मैंने एक फलक मेरी दोस्त है बहुत पुरानी यार, मैंने उसके पोस्ट पे कमेंट कर दिया, उसके एल्विस के लड़के मेरे पीछे पड़ गए मेरे हर कमेंट पे पोस्ट पे आके पता नहीं क्या क्या लिख रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग बिग बॉस ओटीटी ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, हाँ पर मुझे इतनी खुशी है कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त फलक नाश थी उसमें और उसको आउट नहीं करना चाहिए था, प्लीज उसको वापस बुलाओ वाइल्ड कार्ड एंट्री से, उसको ले आओ यार, हाँ फलक को वापस लाना चाहिए, बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही अच्छी लड़की है। एल्विस का गेम देखा आपने? एल्विस का गेम कैसा लग रहा है? एल्विस का गेम मैंने ठीक से नहीं देखा है, बट बहुत है, बहुत हाई पे अच्छा कर रहा होगा तभी हो। उसकी हाइप अच्छी है तो इसका मतलब वो गेम भी अच्छा खेल रहा है। ऑल द बेस्ट टू यू एल्विस। ओएमजी देखो एक मिनट, सलमान सर की 10 मिलियन वाली फॉलोअर मैं ही हूँ, ओके सो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको बढ़ने से या कम होने से, बिग बॉस इज बिग बॉस, सलमान खान इज सलमान खान, बट फिर भी मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन टू एल्विस जिसके बारे में इतना अच्छा अच्छा मैं सुन रही हूँ। 9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, हां अरे वाह यार, मीडिया पर सलमान खान ने डाक दिया, सलमान खान आएगा, हमारे सलमान खान आ चुके हैं। अरे फलकनाथ भाई साहब, अभिषेक अवस्थी जी, अभिषेक अवस्थी डियर, अभिषेक जी फलकनाथ के बारे में घर वालों ने बोल दिया और निकाल दिया, कुछ उसके ऊपर होता है ना, लेकिन फलकनाथ और अविनाश कुछ नहीं चल रहा, तुम लोग चला रहे हो, कल को मैं वीडियो करूंगा मेरे साथ चलाने लग जाओगे, फलक जी और अभिषेक जी का चल रहा है, अगर चल भी रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है यार, चलने दो, कैसा लग रहा है, हम वो जानना है यार, हमारी दोस्त है वो, हम जाई खुद से उससे बात है, तेरी चेहरा चल रहा है, हमारी चलने दो, हम वो किसको क्या बोल रहे हैं उनके साथ में, क्या क्या आपने लॉन्च का गेम देखा? हां बहुत कम नजर आते हो मीडिया में यार, मैं अपनी लाइफ ना थोड़ी प्राइवेट कर, तुम लोग बहुत माँ बहन करते हो फिर इसलिए, और तुम्हारे जरिए जो और बैठे रहते हैं अनपढ़ लोग वो साले और हाथ में उनके मिल गया, तो भैया अपनी लाइफ थोड़ी प्राइवेट रखो, इज्जत जो है बची रहती घर में, मित्र मैं हूं, इज्जत को घर के बाहर निकालेंगे तो लोग लूट लेंगे, यही होता है सबके साथ, आपस में बैठे होंगे, पुराने मित्र है ऐसा पता है, वो सारी जिंदगी रहेंगे एंड तक। अभिषेक जी एल्विस का गेम कैसा लग रहा है? यार सही बताएं, मुझे ऐसे लगता है मेरे एक मैंने एक फलक मेरी दोस्त है बहुत पुरानी यार, मैंने उसके पोस्ट पे कमेंट कर दिया, उसके एल्विस के लड़के मेरे पीछे पड़ गए मेरे हर कमेंट पे पोस्ट पे आके पता नहीं क्या क्या लिख रहे, ये सही है, ठीक है एल्विस भी अच्छा है, मुझे पसंदी एल्विस पसंद है, लेकिन यार हर कोई अपने दोस्त को सपोर्ट करता है, अब आप मेरे पीछे थोड़ा ना पड़ जाओ, मैंने क्या किया है? आपको लगता है कि एल्विस ऐसे बिग बॉस के इतिहास में रिकॉर्ड बनाएंगे जो पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री हुए वो जीतेंगे? यार लग तो रहा है कि एल्विस ऐसा कुछ बड़ा करेगा, सलमान ने बोला और उसने आगे जो किया, उसने आगे जो एल्विस ने किया है वो पहले कभी नहीं हुआ, और दम है बंदे में यार, अच्छा है। Let's see. आपके कहने पे मेरा दिल कर रहा है कि मैं बिग बॉस में जाऊं और एल्विस से मिल के आऊं। मैंने फॉलो ही नहीं किया था, अब आज से मैं एल्विस के लिए फॉलो करूंगा। अभिषेक यहाँ पे रे, अभिषेक का नंबर भी आने वाला है। जब भी आएगा अपने आप पता ही चल जाएगा। ऑल द बेस्ट। क्लब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्लब मैं तो कहूँगा इस क्लब का नाम इमोर्टल हो जाए, क्लब इंडस्ट्री की दुनिया में हमेशा बढ़िया चलता रहे और ऐसे हम सबको एंटरटेन करता रहे, एक अच्छी जगह जहाँ पे हमें एक लगे कि वी फील लाइक होम, हमें इतनी अच्छी कर्टसी वहाँ से मिले, इतनी अच्छी वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मिले, हम सभी को ऐसी जगह जाना पसंद होता है, और जी के सी जी का नाम जहाँ पे जुड़ा हो वहाँ पे तो हमें अपने आप इनविटेशन आ ही जाते हैं। आफ्टर पार्टी जी के सी लाउंज, आफ्टर पार्टी, यू ऑल आर वेलकम।